Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. I know guys you must be waiting for the video, but आज सुबह से क्या है ना कि आज सुबह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है. You can say it's dehydration or something, whatever, but तबीयत बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है. लाइव के समय भी आई वॉज प्रिपेयर फॉर द लाइव, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं, तब तबीयत ख़राब थी, स्टिल आई वॉज लाइक कि लाइव ले लेंगे, हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. बट क्योंकि आज यहाँ पे दिल्ली में मौसम थोड़ा सा अजीब है, तो यहाँ पे बार बार बीच बीच में जैसे ही कुछ प्लान करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो रही है. दैट इज़ द रीज़न जो प्रॉब्लम रही. बट ठीक है, जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं हम लोग. एक्चुअली खुद का फेस देख के ऐसा लग रहा है कि यार सीरियसली, मतलब कितने ज़माने से बीमार है इंसान. चलिए, तो अब मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन एंड डी संस्कृताइजेशन की. ओके, संस्कृताइजेशन एंड डी संस्कृताइजेशन का जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय M.N. श्रीनिवास. ओके, ये कंसेप्ट दिया किसने था? ये कंसेप्ट दिया था M.N. श्रीनिवास ने. संस्कृताइजेशन का सिंपल मतलब होता है जब आपकी कोई भी लोअर कास्ट का जो ग्रुप होता है वो कोशिश करते हैं, वो ट्राई करते हैं, वो इमिटिएट करते हैं अपर कास्ट के कल्चर, बिलीव, रिचुअल प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जांपल टीका लगाना, ठीक है, जनेऊ धारण करना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो छोटे छोटे रिचुअल्स, कस्टम्स, आपके बिहेवियर्स, पैटर्न्स होते हैं, वो अगर लोअर क्लास पीपल फॉलो करने लग जाते हैं. अब क्यों करते हैं? क्योंकि आपको भी पता है एक टाइम पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत हद तक एविडेंट था सोसाइटी में, तो टू बिकम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी लोग उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लग जाते थे. तो दैट इज़ हाउ ये संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस था, ये M.N. श्रीनिवास ने अडॉप्ट किया. अगर आप इसके फायदे नुकसान डिटेल में देखना चाहते हो तो आप संस्कृताइजेशन डाल के बस एजुकेशन हॉटस्पॉट इतना टाइप करो, यू विल गेट अ डिटेल नोट्स वाली वीडियो. आई एम नॉट स्पीकिंग देयर, नोट्स हैं जिसमें मीनिंग लिखा है, इसके फायदे नुकसान लिखे हैं, तो यू कैन वॉच दैट. फायदे तो देखो ये होते हैं कि आप पार्ट बन जाते हो मेन स्ट्रीम का, अगर आप ये कर रहे हो, एक सोशल चेंज का प्रोसेस है. बट नुकसान भी है कि आप अपनी आइडेंटिटी, अपना सेल्फ आप इसमें क्या कर देते हो, यू विल लूज दैट. आप दूसरे को कॉपी करने में अपनी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, यू विल स्टार्ट लूजिंग दैट. तो ऐसा नहीं है, सारे प्लस पॉइंट है, इसके नुकसान भी है. अब वहीं डी संस्कृताइजेशन इज जस्ट समथिंग अपोजिट टू संस्कृताइजेशन. उसका क्या मतलब हो जाएगा? डी संस्कृताइजेशन में क्या करते हैं, जब कोई अपर कास्ट, लोअर कास्ट के, अपर कास्ट लोअर कास्ट के कल्चर, बिलीव्स, वैल्यू, पैटर्न्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करती है. अब नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों होगा? देखिए, M.N. श्रीनिवास ने एक कंसेप्ट और दिया है, दैट इज डोमिनेंट कास्ट. अब डोमिनेंट कास्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि अपर क्लास ही डोमिनेंट रहेगी. डोमिनेंट कास्ट उस पर्टिकुलर एरिया, रीजन वाइज डिफर करती है. तो कई बार कुछ एरिया में पॉसिबल है कि आपकी जो लोअर कास्ट है वो डोमिनेंट पोजीशन पे हो, तो वहां पे अगर कुछ लोग अपर कास्ट के होंगे तो जनरली वो लोग भी क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद कह लो विलिंगफुली मर्ज करने लगते हैं दूसरे के कल्चर से. तो दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट जो बन जाता है वो बन जाता है डी संस्कृताइजेशन. क्लियर? फोर्सफुली कोई आपको चेंज नहीं करा रहा है, कोई कह नहीं रहा है, बट टू बिकम द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी यू स्टार्ट डूइंग दैट. अब आज की डेट में रिलीजन का एग्जांपल लो, कास्ट तो देखो धीरे धीरे डिसअपियर होता जा रहा है कास्ट सिस्टम, बट अगर मैं एक सोसाइटी में रह रही हूँ वहाँ पे हर रिलीजन के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हर फेस्टिवल मनाया जाता है, और मैं हर फेस्टिवल की जो पार्टी होती है वहाँ पे आई बिकेम पार्ट ऑफ दैट. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, तो वो चीज़ क्या हो गई? वो चीज़ हो गई कि एक पार्ट है एक कंसेप्ट का. डिसंस्कृताइजेशन प्योरली नहीं बोलेंगे, बट येस, दिस इज अ फॉर्म काइंड ऑफ चीज़ें, मतलब इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि कोई फोर्सफुली नहीं कराता है ये चीज़, आपसे ज़बरदस्ती नहीं बोला जाता है, बट टू बिकम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और द ग्रुप, पीपल स्टार्ट डूइंग दैट, चाहे वो संस्कृताइजेशन हो चाहे डिसंस्कृताइजेशन हो. तो आई होप संस्कृताइजेशन डिसंस्कृताइजेशन क्लियर हुआ होगा. रिटर्न नोट्स वाले भी अगर कंसेप्ट चाहिए तो संस्कृताइजेशन डाल के एजुकेशन हॉटस्पॉट डाल के जस्ट सर्च, उसमें फायदे नुकसान के पॉइंटर्स विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.